नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम एक गुड़हेल का बड़ा वाला 8 पेटल वाला प्लांट है, जिसकी पिछले साल सितंबर में मैंने यही वाला ट्रीटमेंट किया था। तब उस प्लांट में भर भर के फूल आए थे, बहुत घने फूल आए। तो इस साल भर हो गया, तो अब प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, आ भी रहे हैं तो दो चार करके आ रहे हैं। तो इस प्लांट को, ये है वो गुड़हल का प्लांट, देख सकते हो, ये रहा वो गुड़हल का प्लांट। तो इसके अंदर आप देख सकते हो एक भी फूल नहीं लगा हुआ है। पिछले साल भर भर के इसने फूल दिए थे, तब मैंने इसमें खाद डाली थी, तो इसको खाद की अभी भी ज़रूरत है। गुड़हल का जो प्लांट होता हैवी फीडर प्लांट होता है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कहीं पे भी कोई भी फूल नहीं लगा हुआ और वो रहा इसका पॉट। तो अभी मैंने इसकी गुड़ाई की है और इसमें हम कौन कौन सी खाद डालेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं, जिससे कि ये फिर से भर भर के फूल दे और अभी इसका फूल देने का सीजन भी है। तो चलो हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने इसकी गुड़ाई की है और आप देख सकते हो कि इसकी जड़ें कितनी पुरानी और कैसी बाहर निकल गई है। तो अब जब हमने इसकी गुड़ाई कर दी, तो इसमें अब नई जड़ों का विकास होगा और जब इसको खाना मिलेगा तो ये बहुत अच्छे से हेल्दी तो है, ये जब खाना मिलेगा तो भर भर के फूल देगा। तो कौन सा इसका खाना है और क्या क्या हमें इसमें डालना चाहिए, तो कुछ हम नीमखली डालेंगे, कुछ हम ये बर्मी कंपोस्ट डालेंगे, ठीक है, देख रहे हो, ठीक है, और ये पोटास डालेंगे जिससे कि फूल घने आए, और ये कैल्शियम के लिए कैल्शियम नाइट्रेट डालेंगे। ये इसकी वाइट वाइट जो गोलियां हैं, ये कैल्शियम नाइट्रेट है जो मैंने पिछले साल भी डाला था, और ये ह्यूमिक एसिड डालेंगे जो कि इसमें तुरंत काम हो और जड़ों तक पहुँचे। ह्यूमिक एसिड बड़ा फास्ट काम करता है, तो हम ह्यूमिक एसिड भी इसमें डालेंगे जो कि फूल जल्द से जल्द ये दे, और इसके अंदर सारे माइक्रोज होते हैं जो प्लांट को फटाफट असर करेगा। तो ये देंगे, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले साल भी सितंबर के महीने में जो वीडियो बनाई थी, तब इसी गुड़हल में मैंने इसी प्लांट है गुड़हल वाले प्लांट में मैंने ये सारा ट्रीटमेंट किया था, तब उस प्लांट इसी प्लांट ने भर भर के फूल दिए थे। तो चलो हम शुरू करते हैं ये डालना। ये देखिए, ये मैंने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट पानी में डाल रखा है, ये ह्यूमिक एसिड है, इसको भी मैंने लिक्विड बना दिया, और ये पोटास है, और 2 चम्मच मैंने इसके अंदर गुलाब का जो फूड होता है बना बनाया वो भी मैंने ले लिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द फूलों पे आ जाए, तो 2 चम्मच मैंने ये भी ले लिया। तो हम इसमें कितनी चीज़ें डालेंगे दिखा देती हूँ। कैल्शियम नाइट्रेट 1, पोटास 2, ह्यूमिक एसिड 3, गुलाब के पौधे का ये क्या कहते हैं, गुलाब के पौधे की जो खाद है 2 चम्मच, ये तो ये हो गई 5 चीज़ें 5, और थोड़ा सा हम एप्सम सॉल्ट भी डाल देंगे क्योंकि इसकी जड़ों को मैंने खोला है, तो थोड़ा सा प्लांट को शॉर्ट ना लगे, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 चम्मच, ठीक है। फिर से गिन लेते हैं, और बर्मी कंपोस्ट नीम खली, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। बर्मी कंपोस्ट 1, नीम खली 2, एप्सम सॉल्ट 3, पोटास 4, और कैल्शियम के लिए नाइट्रेट 5, 6, 7 और ये 8, तो 8 चीज़ें हम इसमें डालेंगे जिससे कि इसकी सभी पूर्ति हो जाए। इसमें इससे इसके पत्ते भी अच्छे से हरे और हेल्दी होंगे और इसको शॉर्ट भी नहीं लगेगा। कैल्शियम की पूर्ति कैल्शियम नाइट्रेट कर देगा, फूलों की पूर्ति पोटास कर देगा, और ये फास्ट काम करेगा, ठीक है। तो चलो हम इसमें डालना शुरू करते हैं। ये मिट्टी मैंने, आप देख रहे हो, निकाल चुकी हूँ और गुड़ाई कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम एक एक करके हम इसकी लेयर बना देते हैं। तो पहले हम ये वाली ऐसे खाद डालना शुरू करते हैं, ठीक है। खाद डालने के बाद इसी के ऊपर हम
और चीज़ें भी डाल देंगे। फिर देखना दो दिन में ये कैसे फटाफट फूल लगाता है। जब फूल लगाएगा तो मैं आपको इसको दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो ये मैंने इसमें बहुत अच्छे से इसके अंदर खाद डाल दी है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा ये सरसों की खली है दो मुट्ठी जितना, ये भी हम डाल देते हैं, ठीक है। ये सरसों की खली है, ये भी डाल देते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो दो मुट्ठी जितनी मैंने सरसों की खल भी डाल दी, जिससे कि इसमें कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। ये बड़ा गमला है तो इसमें हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा खाद डालेंगे, ठीक। अब इसमें हम तो ये वाला गुलाब का जो फूल है वो भी डाल देते हैं। इससे क्या होगा, ये जल्दी से जल्दी फूल देगा। तो ये हो गई तीन चीज़ें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो हमारी ये अब हम कैल्शियम नाइट्रेट भी, ये कैल्शियम नाइट्रेट है, ये भी हम डाल देते हैं। कुछ गोलियां हैं इसमें, वो भी घुल जाएगी होले होले। ये मैंने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट डाल दिया। अब हम इसमें ये पोटास भी तने से दूर रख के डालना है। ये पोटास भी इसमें हम डाल देते हैं, ठीक है। तो मैंने ये पोटास भी डाल दिया। अब हम इसमें ये ह्यूमिक एसिड वाला भी डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये एप्सम सोल्ट है, तो ये भी हम डाल देते हैं। थोड़ी सी खाद फिर से डाल देते हैं। अब जो बची हुई मिट्टी है वो भी हम इस प्लांट में डाल देते हैं। ये इसकी बची हुई मिट्टी है जो मैंने निकाली थी, तो ये डाल देते हैं। तो इस तरह से इस प्लांट को अब बहुत अच्छे से फूड मिल चुका है। अब इसमें पानी की कमी है, अभी सब प्लांट्स में जब मैं पानी दूंगी तो इस वाले प्लांट में भी अच्छे से भरपूर पानी दे दूंगी, जिससे कि इसकी जो पानी की भी पूर्ति हो जाएगी और जो खाद वगैरह है वो सीधा तने तक नीचे तक चली जाएगी। तो आप भी इस तरह से अपने प्लांट पे ट्रीटमेंट कर सकते हो। मैंने पिछले साल भी इसी तरह से मैंने ट्रीटमेंट किया था, तब इसी प्लांट ने, ये देखिए 18 इंच के गमले में लगा हुआ है और काफ़ी बड़ा प्लांट है ये, और बहुत अच्छे से ये फूल देता है। देखिए कितना बड़ा प्लांट है ये, ठीक है। तो आप भी इस तरह से ट्रीटमेंट करो और भर भर के प्लांट में से फूल लीजिए। तो उस साइड चंपा का प्लांट है, मैं दिखाती हूँ, उसकी मैंने गुड़ाई करके रखी है, कल हम उसमें भी खाद डालेंगे। तो चलो उस साइड चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरे सारे प्लांट कितने अच्छे से और कितने हेल्दी है, कितने अच्छे से चल रहे हैं। तो अभी इन सब में हम पानी डालेंगे, और ये देखिए फूल, देखिए कितने ज़्यादा है इनमें, देखने वाले हैं इतने ज़्यादा फूल है इनमें। देखिए सब कहते कि हमारे गुड़हल में, हमारे एडेनियम में फूल नहीं आ रहे। हमारा एडेनियम तो देखो फूलों से, हमारे एडेनियम तो यहाँ फूलों से लदे पड़े हैं। ये देखिए है ना, कितने सारे फूल लगे हुए हैं इस एडेनियम में, और इधर भी लगे हुए हैं। कोई ऐसा प्लांट नहीं है, ये हमारा बीमार प्लांट, इसने भी फूल देना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये इसका कॉडक नीचे से इस तरह से ख़राब हुआ था, ये छोटे फूल दे रहा है, मगर इसमें कभी खाद डालनी पड़ेगी।
चलो उधर भी दिखा देती हूँ, इधर भी देखिए कितने सारे फूल लगे हुए हैं। ये देखिए छोटे से पोट में, कल भी मैंने इसे दिखाया था, छोटे से पोट में कितने सारे फूल लगे हुए। इसको भी मैं आज शिफ्ट कर दूँगी। ये देखिए छोटे से पोट में कितने सारे फूल लगे हुए हैं, है ना। और कितना सुंदर ये, कितना सुंदर ये पोट लग रहा है। तो फूल सभी में खिले हुए हैं, बहुत अच्छे से लग रहे हैं। इसकी धूप से देखो बड़े साइज़ का फूल आता है, पेटल ख़राब हो रही है। तो सभी में हमारे यहाँ आप देख सकते हो किस तरह से फूल लगे हुए हैं। और ये अलवंडा में भी लग चुके हैं। चलो ये हमारा मुद्दा नहीं था, ये वाला प्लांट मैंने कल भी आपको दिखाया था। ये मैक्सिमम पेटूनिया जिसकी मैंने कटिंग लगाई थी, इसने भी फूल देना शुरू कर दिया। ये देखिए इसका मैंने कल वीडियो बनाया था, और ये आज भी देख लो फूल कितने अच्छे से। ये कल की कलियां हैं, ये कल वाली कलियां हैं जो आज खिली हुई है, वो उधर नीचे भी और वो उस साइड, और ये लगी हुई है इसमें इसकी कलियां। तो आप देख सकते हो कैसे, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें खाद वगैरह, ये जल्दी रिपोर्टिंग किया हुआ था तो इसकी रिपोर्टिंग के अंदर वो सारी चीज़ें थी जो एक प्लांट को चाहिए। तो इसीलिए इसके अंदर तो खाने की पूरी पूर्ति है, तो ये कलियां भर भर के फूल दे रहा है। चलो मैं चंपा का प्लांट दिखा रही थी, ये देखिए ये चंपा का प्लांट है, ठीक है। इसकी मैंने आज अभी सुबह गुड़ाई की है, अब आज इसमें गुड़ाई की है, अब एक दिन बाद में यानी कि कल हम इसमें खाद डालेंगे। इसमें देख पा रहे हो एक भी फूल नहीं है, नाग चंपा का प्लांट है। ऊपर तक ये देखिए कोई भी इसके अंदर फूल नहीं लगा हुआ है, कितना लंबा सारा है, ठीक है। तो चलो मैं अपनी वीडियो को, ये गंधराज के में भी देखो कुछ गड़बड़ हुई है, ये फटाफट कलियां गिराता है। ये देखिए इसके अंदर भी कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, या तो पानी का तालमेल सही नहीं है, या फिर कीड़े रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं ना उनकी वजह से भी कलियां गिर जाती है। तो एक बार इसमें दवाई डालनी पड़ेगी, तब जाके ये कलियां गिराना बंद करेगा। ये वाली बेल में भी अच्छे से फूल लग रहे हैं। तो चलो मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल का बटन प्रेस करना मत भूलिए, और जुड़े रहिए। और कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करा कीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। तो जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।